कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सिद्धरामैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आलाकमान ने उन्हें अहम मंत्रालय देने का वादा भी किया है। कर्नाटक में संगठन सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस महासचिव केसी विष्णु गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सिद्धरमैया को सीएम बनाने का फैसला किया है, वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। राज्य में एक ही डिप्टी सीएम होगा। डीके 2024 लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कर्नाटक से दिल्ली तक 100 घंटे चले मंथन और ताबड़तोड़ बैठकों के दौर के बाद सीएम पद के लिए सिद्धरमैया के नाम पर मोहर लगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक का पूरा सियासी संकट सुलझ पाया। अब 20 मई को कर्नाटक में नई सरकार का गठन होगा। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे। राज्य में जीत मिलने के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने सीएम बनने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी, जहां कांग्रेस आलाकमान सिद्धरमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में था। हालांकि शिवकुमार सीएम पद से नीचे कुछ भी लेना नहीं चाहते थे।